मैं हूं प्रत्युष और मैं वेलकम करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पेट पैलेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बर्ड्स को हैंड फीडिंग कैसे करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम लोग सभी जानते हैं कि हैंड फीडिंग का मतलब A19। तो फ्रेंड्स, A19 तो अच्छा हैंड फीडिंग है, लेकिन A19 को छोड़ के और भी बहुत सारा हैंड फीडिंग है, जैसे कि पेट्स लाइफ हो गया, हमारा रॉयल लुइंग हो गया, हमारा ट्रॉपिकाना हो गया, केटी हो गया। केटी तो A19 से भी ज़्यादा बेटर काम करता है फ्रेंड्स। तो मैं अभी जो यूज करूँगा वो है रॉयल लुइंग्स। देखिए फ्रेंड्स, ये एक कम प्राइस में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हैंड फीडिंग है। तो फ्रेंड्स, क्या रहता है कि जो A19 है उसका प्राइस रहता है हमारा 2000 के आसपास, लेकिन पाइनएप्पल कॉर्नर का इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग रॉयल विंग्स से उसको हैंड फीडिंग करवा सकते हैं, नहीं तो पेट्स लाइफ से भी हैंड फीडिंग करवा सकते हैं। रॉयल विंग्स का जो ये फ्रेंड्स है 700 ग्राम है, इसका प्राइस रहता है फ्रेंड्स 800 के पास, कुछ ऐसा कुछ रहता है, हाँ 800 के पास रहता है। ये मेरे पास से आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये चीप रहता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है, तो पाइनएप्पल कॉर्नर को ये सही है, कुछ नहीं, ये आप पाइनएप्पल कॉर्नर को दे सकते हैं। लेकिन आप अगर A19 से आप हैंड फीडिंग करवाएंगे तो वो बहुत ही कॉस्टली रहेगा, पाइनएप्पल कॉर्नर के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब के बहुत खर्चा हो जाएगा हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हैंड फीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, केटल में सबसे पहले पानी गर्म हो रहा है, उसके बाद ही हम प्रोसेस स्टार्ट करें। पहले हम एक ठो कटोरी लेंगे, उसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, उसके बाद रॉयल विंग का हैंड फीडिंग फॉर्मूला। ये फ्रेंड्स अपने हिसाब से ही लेंगे कि आपका कितना बार्ड से, कितने एज का बार्ड से। अगर कम एज का बार्ड रहेगा 15 दिन के नीचे एक का, तो आपको पतला घोलना है। अगर 15 दिन से ज़्यादा रहेगा तो उसी हिसाब से थोड़ा गाढ़ा आप घोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिलाना है, जैसे कि कोई लम्स नहीं रहे। तो हम चेक करेंगे कि ज़्यादा गर्म हुआ है कि नहीं। तो हम लोग इस टाइप से चेक करेंगे कि ज़्यादा गर्म हुआ है कि नहीं, नहीं तो बच्चों का क्रॉप जल जाएगा। अभी हम देखेंगे हैंड फीडिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, एक के जी मिल्क का सिरिंज है, ये चेक का हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि हैंड फीडिंग कैसे करते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एक ठो 10 ml का सिरिंज हो गया, और बार्ड चीप को पकड़ के हम पूरा का पूरा उसको दे दिए। तो ऐसे ही सबका फ्रेंड्स हैंड फीडिंग करवाया जाता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो सर का राइट साइड है उस साइड में फूड का वेंट रहता है, और इस साइड में एयर का वेंट, मतलब श्वास नली। तो इस साइड में हमको नहीं देना है, इस साइड में देना है। तो देख लीजिए हम लोग कैसे दे देंगे। फ्रेंड्स, देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरा हैंडमेड ब्रूडर है, तो सामने में ग्लास लगा हुआ है और ऊपर में हमारा नेट लगाया हुआ है, ये लकड़ी का है फ्रेंड्स। और ये इस तरह से खुलता है, और इसी में
सब बच्चे रहते हैं। देख लीजिए ये साइज का लेके ये साइज का सभी बच्चे रहते हैं। भूल गया था कि जब भी आप हैंड फीडिंग करवाएं तो ये नियोपेप्टाइन 3 से 5 ड्रॉप आप डाल सकते हैं। जब नया वाला बाट्स को आप बॉक्स से हैंड फीडिंग को लाएं तो 3 से 5 ड्रॉप डाल सकते हैं। और एक तो चीज़ फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि कोई भी इंडियन पैरट के लिए मुझे फ़ोन ना कीजिए, क्योंकि वो इलीगल है। कोई भी इंडियन पैरट के लिए नया फ़ोन कीजिए। फिर मैं फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।